नमस्ते, मैं डॉक्टर मनोज पिसाल, प्योर आयुर्वेद एंड पंचकर्म प्रैक्टिशनर इन पुणे। आज हम नींद नहीं आती और उसके ऊपर घरेलू उपचार, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अभी हमें नींद क्यों नहीं आती, बहुत लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ही रहता है, वो ऑफिस का रहता है, घर का रहता है और किसी का रहता है, इसके वजह से हमें नींद नहीं आती। दूसरा, हमें कुछ ना कुछ बीमारी होती है, इसके वजह से भी कभी कभी नींद नहीं आ जाती। और तीसरा, बहुत लोगों का शिफ्ट वाइज काम रहता है, कभी कभी सुबह होता है, कभी काम दोपहर होता है, कभी नाइट शिफ्ट में होता है, तो एक काम का जो टाइमिंग होता है चेंज हो जाता है, इसके वजह से हमारा जो बायोलॉजिकल जो क्लॉक होता है वो डिस्टर्ब होके हमें नींद की समस्या निर्माण होती है। तो हम अभी समस्या निर्माण होने के बाद घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं। पहला जो है, हमारा बेडरूम एकदम अच्छा होना चाहिए, तकिया का बेडशीट और बेड का जो बेडशीट होता है वो भी अच्छा होना चाहिए, फ्रेश कलर होना चाहिए, इसका भी हमें अच्छा फायदा मिल जाता है। दूसरा, सोते समय हमारा जो संगीत, मतलब इंस्ट्रूमेंटल रहेगा, शास्त्रीय संगीत रहेगा, वो आप थोड़ा थोड़ा सुनिए, इससे भी हमें अच्छा फायदा मिल जाता है। तीसरा जो है, हमारा जो रात का जो खाना होता है वो जल्दी होना चाहिए और वो भरपेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा खाना कम खाइए, और वो खाना खाने के पहले आप नहा के फिर खाएंगे तो इसका भी हमें अच्छा फायदा मिल जाता है। चौथा जो है, हमें हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज यानी व्यायाम ऐसा ऐसा थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, और व्यायाम के पहले या बाद में आप पूरे बॉडी को तेल से मसाज करेंगे, वो तेल तिल तेल का रहेगा या नारियल तेल का रहेगा या नारायण तेल या सरचर आदि तेल, कौन सा भी तेल रहेगा, इससे आप मसाज करके फिर हल्के से गर्म पानी से नहाएंगे तो भी अच्छा फायदा मिल जाता है। आपको ये सुबह पॉसिबल नहीं है तो आप जब सोते जाते हैं रात को, सोने के पहले भी दोनों पैर को हल्का सा मसाज करके फिर सो जाइए, इससे भी हमें अच्छा फायदा मिल जाता है। पांचवा जो है, हमें मसाले के पदार्थ में एक जायफल नाम का एक पदार्थ मसाला होता है, जायफल का फल होता है, वो पत्थर के ऊपर घिस के उसका मलाई निकाल के, उसका आधा चम्मच मलाई और दालचीनी भी वैसा ही पत्थर के ऊपर घिस के पानी के साथ उसका आधा चम्मच मलाई, वो मिक्स करके दोनों का मिक्स करके उसमें एक चम्मच मिर्ची और दो चम्मच गाय का घी, ऐसा सुबह और शाम को खाना खाने के बाद लेंगे तो भी उसका अच्छा फायदा हमें मिल जाता है। छठा जो है, चंदन का, आपको ऐसा चंदन मिल जाए, लकड़ी वाला चंदन मिल गया तो आप पत्थर के ऊपर घिस के उसका मलाई आप पूरे चेहरे पे लगाइए, आपको वो नहीं मिल रहा है तो चंदन का पाउडर आप दूध के साथ या पानी के साथ मिक्स करके उसका भी लेप हम लगा सकते हैं, इसका भी हमें अच्छा फायदा मिल जाता है। सातवां जो है, अश्वगंधा नाम का एक चूर्ण मिलता है, अश्वगंधा का चूर्ण एक चम्मच, मिश्री आधा चम्मच और दो चम्मच गाय का घी, वो आप सुबह और शाम खाना खाने के बाद लेंगे तो इसका भी हमें अच्छा फायदा मिल जाता है। आठवां जो है, आपका खाना रात का जल्दी हो गया तो सोते समय एक कप भर दूध और उसमें दो चम्मच देसी गाय का घी और एक चम्मच मिश्री, ऐसा मिक्स करके आप रात को सोते समय लेंगे तो इससे भी हमें अच्छा फायदा मिल जाता है। नौवां जो है, रात को सोते समय दोनों नाक में दो दो बूंद गोघृत यानी देसी गाय के घी हम डालेंगे तो इससे भी हमें अच्छा फायदा मिल जाता है। और महत्वपूर्ण धावा जो है, हमारे जो सोने की दिशा होती है वो आप दक्षिण या पूर्व दिशा में आपका सिर होना चाहिए, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये उपाय है। उसके साथ आपको थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा योगा का उसके साथ थोड़ा सा अवलंब करेंगे तो इसका भी हमें अच्छा उपयोग हो जाता है। तो आप ये घरेलू उपाय करके जरूर देख लीजिए, इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। अगर आपको फायदा नहीं मिला तो आपके जो नजदीक वाले जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनकी सलाह से औषधोपचार और पंचकर्म में एक शिरोधारा नाम की ट्रीटमेंट होती है, वो बहुत ही बढ़िया काम इसमें कर देती है। शिरोधारा लेने के बाद तुरंत नींद आने लगती है, तो आप ये ट्रीटमेंट आपके जो नजदीक वाले डॉक्टर है उनके पास जाके और जरूर करवा के ले लीजिए।
आपको नींद के बारे में कुछ समस्या रहेगी, कुछ प्रॉब्लम रहेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम हमारा प्रयास रहेगा आपका जो प्रश्न रहेगा उसका उत्तर देने का, जल्द से जल्द हम उसका प्रयास करेंगे। धन्यवाद।